अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया था 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था एटम्स के बारे में। उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, आज हमने पढ़ना है मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स बेसिकली क्या होते हैं? मिक्सचर्स बेसिकली होता है, ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये कंटेन करता है अपने अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनका आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होता, ठीक है। मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड यानी कि इनका आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, यानी कि दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन, देखें अगर दो कोई सब्सटेंसेस है अगर वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो केमिकली रिएक्ट करके वो एक कम्प्लीटली नई चीज़ बना देते हैं और उस नई चीज़ को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कोई नई चीज़ बनी है अगर, तो हम उसको दोबारा से सेपरेट करें, सेपरेट करके दोबारा से उन दोनों जो नई चीज़ बनी है किन दो चीज़ों से मिलके बनी है, हम उसको दोबारा से सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर क्या चीज़ है कि दो चीज़ें जो फिजिकली रिएक्ट कर लेती हैं, आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती, कंबाइन करके जो नई चीज़ बनाती हैं दोबारा से हम उन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मिक्सचर की क्या एग्जाम्पल होगी, कोई प्लेट है, ठीक है, उस प्लेट के ऊपर आपने नमक और चीनी, सॉल्ट और शुगर को इकट्ठे रखा है तो वो क्या बना देगा, एक मिक्सचर, ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर, शुगर आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, आर पुट टुगेदर एंड फॉर्म मिक्सचर, और वो मिक्सचर बना देते हैं। देखिए आप खुद देख लें, अगर आप एक प्लेट में नमक और चीनी दोनों को ऐसे मिक्स करके रखें तो नमक और चीनी आपस में रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करके कोई नई चीज़ नहीं बना देते, बल्कि अगर नमक और चीनी है तो हम डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्ट को अलग और शुगर को अलग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, मिक्सचर। आगे हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जिसमें से भी हम कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप क्या होगी मिक्सचर की, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड एंड गैस मिक्सचर की पहली टाइप है लिक्विड एंड गैस। अच्छा, तो दो चीज़ें कंबाइन करके मिक्सचर बनाती हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें कौन सी कंबाइंड हैं, लिक्विड चीज़ और गैस चीज़। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जो भी आप फिजी ड्रिंक्स पीते हैं जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, ये सब क्या है, लिक्विड एंड गैस का एक मिक्सचर है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसके अंदर कार्बोनेटेड गैस भी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड मिक्सचर की टाइप है वो है लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, लिक्विड चीज़ है कोई एंड सॉलिड, मतलब इसमें लिक्विड एंड सॉलिड मिलके एक मिक्सचर बना रहे हैं। अब लिक्विड एंड सॉलिड कौन सी चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आप लोग घर में नींबू पानी बनाते हैं जिसको हम लेमनेड या लेमन जूस भी कहते हैं, उसमें जो पानी है वो लिक्विड है और जो नींबू है वो सॉलिड है। पानी के अंदर हम लोग नींबू को स्क्वीज करते हैं तो जो मिक्सचर बन जाता है जिसको हम लेमन जूस, लेमनेड या नींबू पानी कहते हैं, वो लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी मिक्सचर की टाइप है वो है सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। तीसरी जो टाइप है वो हम पढ़ते हैं लिक्विड एंड लिक्विड, मतलब इसमें दो तरह के लिक्विड्स हैं जो कंबाइन करके एक मिक्सचर बना रहे हैं, दो तरह के लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने वाटर देखा होगा, वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, और विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका, सिरका भी ट्रांसपेरेंट है लेकिन उसका टेस्ट खट्टा होता है। अब वाटर और सिरका, वाटर और
विनेगर दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्सचर बना देते हैं, वो किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी? लिक्विड एंड लिक्विड के मिक्सचर की, ठीक है? वाटर प्लस विनेगर, इनका जो मिक्सचर होगा वो होगा लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है? दोनों एक जैसे ही लिक्विड्स कलर में, लेकिन टेस्ट डिफरेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आगे सॉलिड एंड सॉलिड। क्या है नेक्स्ट? सॉलिड एंड सॉलिड। अब सॉलिड एंड सॉलिड की क्या एग्जाम्पल होगी? आपने कॉइन्स देखे होंगे, सिक्के। सिक्के क्या होते हैं? मोस्टली मेटल से मिलके बनते हैं, और मेटल्स हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि सब सॉलिड्स होते हैं। अब जो कॉइन्स हैं, यानी कि सिक्के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, आप लोगों ने देखे होंगे, वो कॉइन्स जो हैं वो डिफरेंट मेटल्स से मिलके बनते हैं। तो ये कॉइन्स जो है बेसिकली मिक्सचर किसका हो जाएगा? सॉलिड एंड सॉलिड का, यानी कि डिफरेंट मेटल्स। डिफरेंट मेटल्स क्या हैं? डिफरेंट सॉलिड्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब आगे हमने पढ़ना है गैस एंड गैस। जो नेक्स्ट मिक्सचर की टाइप है वो क्या है? गैस एंड गैस। नेक्स्ट जो मिक्सचर की टाइप है वो है गैस एंड गैस। गैस एंड गैस बेसिकली क्या होगी? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हवा, यानी कि एयर। आपने हवा तो देखी होगी, आपको पता है हमारी हवा मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, मजमुआ है। हमारी हवा में नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके अलावा और बहुत सारी गैसेस हैं। तो बेसिकली हवा क्या है? गैस एंड गैस का एक मिक्सचर है, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने आज मिक्सचर और मिक्सचर की टाइप्स को पढ़ा। आगे हमने स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? ये एक मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, ठीक है? ये एक मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे कि जिसमें आते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट बेसिकली क्या चीज़ है? एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है? और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है? डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, और सॉल्वेंट वो चीज़ है जो किसी सॉलिड चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, उस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर आपने जो वाटर लिया, वाटर क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है? वाटर बेसिकली क्या होगा? सॉल्वेंट। इसके अंदर वाटर है और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। अब इस वाटर के अंदर आपने एक सॉलिड चीज़ डिसॉल्व करवाई, कोई भी चीज़, शुगर कर लें आप, चीनी, वो आपने डिसॉल्व करवाई, वो क्या हो गया? सॉल्यूट, ठीक है? ये क्या है? सॉल्वेंट, वाटर। अब जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद उसके पार्टिकल्स नज़र ना आए, एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाए, इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? ये क्या चीज़ है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट बेसिकली सॉलिड चीज़ है, वो स्मॉलर अमाउंट में होती है, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होती है, और लिक्विड चीज़ होती है। अब सॉल्वेंट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी सॉलिड चीज़ को अपने अंदर डिसॉल्व करवा सके, ठीक है? और सॉल्यूट क्या होता है? जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर खुद डिसॉल्व हो सके। अब बेसिकली जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, जिसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? आगे हमने पढ़ना है डिफरेंस सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का, ठीक है? अब सॉल्यूबल क्या होता है और इनसॉल्यूबल क्या होता है? इनसॉल्यूबल, अगर तो कोई मटेरियल जो है वो किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए, हल हो जाए, तो हम उसको कहते हैं सॉल्युबल, ठीक है? इफ अ मटेरियल कैन बी डिसॉल्व्ड इन लिक्विड,
डिजॉल्व यानी कि हल हो जाए तो उसको हम कहते हैं दैट इट इज सॉल्युबल. और इस इनसॉल्युबल क्या होगा, इफ अ मटेरियल कैन नॉट बी डिजॉल्व इन लिक्विड. Dissolved in liquid. ठीक है, अब हम इनकी थोड़ी सी examples discuss कर लेते हैं. Soluble, for example, जैसे हमने ये पहले discuss किया था, ये example है soluble की. अगर water के अंदर कोई चीज़ dissolve करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हल हो जाए, जैसे कि नमक या चीनी, आप उसको mix करते हो, dissolve करते हो, उसके अंदर बिल्कुल हल हो जाती है, हमें ऊपर उसके particles नज़र नहीं आते, तो उसको हम कहते हैं soluble, कि वो solute soluble. लेकिन अगर कोई दूसरा मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, उसमें आप कोई चौक लेके चौक के पीसेस करके उसमें मिक्स करने की कोशिश करते हो, या मिट्टी रेत कोई ऐसी चीज़ जो आप वाटर में मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होती, तो ये एग्जाम्पल है इनसॉल्युबल की. ठीक है, जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्युबल में वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, अब आप अपने नोट्स निकाल लें. नोट्स में से आज हमें स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 11 से, हाउ मिक्सचर इज फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, क्वेश्चन नंबर 13 डिवाइन सॉल्यूशन, एंड क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. यहीं तक आज का आपका होमवर्क है, आपने क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़.